आदरणीय अध्यापक गण, अभिभावक गण और प्रिय सभी छात्र छात्राओं, पूरी दुनिया आज कोरोना के महामारी के संकट से जूझ रही है और इससे दुनिया का शिक्षा जगत भी अधूरा नहीं है। पूरी दुनिया में जिस तरीके का कोहरा मचा है और मानवता संकट से जूझ रही है, ऐसे समय में छात्र छात्राओं के सामने पढ़ाई का भी एक चुनौती जैसा विषय बना हुआ है। अभी हम लोग ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हम लोगों ने शुरू किए हैं। आप सबको मालूम है कि स्वयं है, स्वयं प्रभा है और दीक्षा है, ई पाठशाला है। इसके माध्यम से बहुत सारे विषयों में बहुत सारे कोर्स विभिन्न प्रकार से हम ऑनलाइन हम लोगों ने शुरू किया है और ये जो डिजिटल है, ये शिक्षण की दिशा में इसका अधिक से अधिक नवाचार और गुणवत्ता युक्त शिक्षा कैसे हो सकती है, इसलिए मैं अपने छात्रों से भी, अपने अभिभावकगण से भी और आदरणीय अध्यापक गण से भी अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग हैशटैग भारत पढ़े ऑनलाइन का उपयोग करते हुए मेरे ट्विटर पर और मंत्रालय के ट्विटर पर अपने अधिक से अधिक सुझाव एक सप्ताह के अंदर दें, ताकि हम इस ऑनलाइन जो हमारी शिक्षा है इसको हम विस्तार दे सकें। आपके बेहतर क्या सुझाव हो सकते हैं कि हम इसको और विस्तार करें, इसके नवाचार, इसकी गुणवत्ता शिक्षा को बरकरार रखते हुए और आगे बढ़ाते हुए क्या 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 हम कर सकते हैं, ऐसे मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जरूर और जरूर करके अपने सुझाव दें। आप सबको मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस महामारी से बचने के लिए जो हमको आग्रह किया है उसका हम निश्चित पालन कर रहे हैं, और जो आरोग्य सेतु ऐसा ऐप जिसको हर हालत में हमको अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना है, और उसके जो स्वास्थ्य विभाग ने जो हमको महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं उनका निश्चित रूप में हमने पालन करना है। मुझे भरोसा है कि जिस तरीके से अभी तक आप सभी पूरे देश के 33 करोड़ छात्र छात्राओं ने जिस संयमिता से और जिस अनुशासन से अपने को भी बचाया है और अपने परिवार को भी बचाने की महत्वपूर्ण ये पहल आपके प्रयासों से हो रही है। अभी ये जो नया प्रयोग हम कर रहे हैं और जो नई ऑनलाइन शिक्षा की दिशा में विस्तार का जो हमारा मन है, उसमें भी आपके बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आ सके, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूँ। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप।